And welcome to Bhadri Foundation. Today we will study NCERT of class 12th, Geography chapter 8, International Trade. Let's start. International trade is mutually beneficial as no country is self-sufficient. क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मतलब एनी कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री. दैट इज़ व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड इज कंडक्टेड बिटवीन अमंग मैनी कंट्रीज. तो दोनों के लिए, हर कंट्री के लिए वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है. इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगोन ए सी चेंज इन रिसेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कंपोजिशन एज वेल एज डायरेक्शन. तो इंटरनेशनल ट्रेड में, अब ट्रेड में बहुत सी चेंज आया है, चाहे वो वॉल्यूम की बात करो, मात्रा क्वांटिटी की बात करो, कंपोजिशन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करो, या डायरेक्शन की बात करो, किन कंट्रियों के बीच में हो रहा है. तो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी चेंज आया है. ऑल्दो इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ट्रेड इज एज लो एज 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, येट इट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. हालांकि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में वो 1% के लगभग है, फिर भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड. देर आर न्यूमरस रीजंस फॉर दिस शार्प राइज इन द ओवरसीज ट्रेड. और कई रीज़न है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में शार्प राइज हुआ है, सच एज द मोमेंटम पिक्ड अप बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, लिबरल पॉलिसीज आ गई है गवर्नमेंट की, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, और मार्केट में भी डाइवर्सिफिकेशन आ गया है. द नेचर ऑफ इंडियाज़ फॉरन ट्रेड हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स. जो इंडिया का जो फॉरन ट्रेड है उसके नेचर में भी काफ़ी चेंज आया है. दो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट कंटिन्यू टू बी हायर दैन दैट ऑफ द एक्सपोर्ट. हालांकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ा है, लेकिन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ा है. द कंपोजिशन ऑफ कॉमोडिटीज इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन अंडरगोइंग ए चेंज ओवर द ईयर. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैज़ डिक्लाइंड. अब जो इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो कम हुआ है, वेयर एज शेयर्स पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स एंड अदर कॉमोडिटीज हैव इंक्रीज. जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्रूड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड में वो बढ़ा है. द डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल आइटम्स इज लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. ट्रेडिशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट में कमी आने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो गया. अमोंगस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देयर इज ए डिक्लाइन द एक्सपोर्ट ट्रेडिशनल आइटम्स. एक्सपोर्ट में भी ट्रेडिशनल आइटम में डिक्लाइन है, सच एज कॉफी, कैशियो एक्सेट्रा. दो एन इंक्रीज हैज़ बिन रजिस्टर्ड इन द फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट, में इंक्रीज देखा जा सकता है इंटरनेशनल ट्रेड में. फ्रेश फ्रूट, मैरीन प्रोडक्ट्स एंड शुगर में एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है. इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट. इंजीनियरिंग गुड्स का भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है. चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज आर फोर मेजर कॉम्पिटिटर्स. चाइना और दूसरी चार ईस्ट एशियन कंट्री है जो इंडिया के कॉम्पिटिटर हैं. जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्ज शेयर इंडियाज फॉरन ट्रेड. चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज इम्पोर्ट. इंडिया का जो इम्पोर्ट पहले होता था और जो अब होता है, उसमें भी कंपोजिशन में काफ़ी चेंज आया है. इंडिया फेस्ड सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1950s एंड 60s में इंडिया को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा. द मेजर आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट एट द टाइम वॉज फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. उस टाइम का जो इम्पोर्ट था उसका जो मेन कंपोनेंट था वो फूड ग्रेन था, कैपिटल गुड्स था, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स था. द बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज एडवर्स. और बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था, इसका मतलब कि एज इम्पोर्ट वर मोर देन द एक्सपोर्ट इन द स्पाइट ऑफ एफर्ट्स ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा था, डिस्पाइट कि हम पॉलिसी अपना रहे थे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी
हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, रादर उनको इम्पोर्ट ना करके सेल्फ प्रोड्यूस किया जाए, तो उसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी बोलते हैं। आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इम्पोर्ट वॉज डिसकंटिन्यू ड्यू टू द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, बट द एनर्जी क्राइसिस ऑफ 1973 पुश्ड द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड इम्पोर्ट। ग्रीन 1970 के बाद फूड ग्रेन का इम्पोर्ट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन एनर्जी क्राइसिस जो थी प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम की वो बढ़ गई थी, एंड इम्पोर्ट बजट वॉज ऑल्सो पुश्ड अप। फूड ग्रेन इम्पोर्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम। तो जो हमने फूड ग्रेन का इम्पोर्ट स्टॉप किया था, उसकी जगह हम फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम का इम्पोर्ट करने लग गए थे। स्पॉडिक प्राइसेस राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट इज अनदर रीज़न फॉर द सेम। और कहीं कहीं पे प्राइस राइज भी होना कभी कभी रीज़न था इम्पोर्ट का, इम्पोर्ट कम होने का। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स मेंटेन्ड ए स्टेडी इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग डिमांड इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर। क्योंकि इस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इंडिया में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, इसलिए कैपिटल गुड्स की काफ़ी डिमांड थी इंडिया में उस टाइम पर। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड देखा जाए तो ज़्यादातर सभी देशों से व्यापार है और इंटरनेशनल जो ट्रेड सेंटर्स हैं उनसे भी है। इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर में। इंडिया अपने इंटरनेशनल ट्रेड को डबल करना चाहती है। हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अडोप्टिंग सुटेबल मेजर सच एज इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। इसके लिए कुछ तरीके भी अपनाए हैं, जैसे कि इम्पोर्ट को लिबरलाइजेशन कर दिया है, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट पे टैक्सेस हटा दिए हैं, कम कर दिए हैं, डी लाइसेंसिंग एंड चेंज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट्स, और डी लाइसेंसिंग भी कर दिया है कहीं प्रोडक्ट्स को। मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड इज कैरिड थ्रू सी एंड एयर रूट से भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ज़्यादातर। हाउएवर स्मॉल पोर्शन इज ऑल्सो कैरिड थ्रू लैंड रूट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कुछ परसेंट जो ट्रेड है वो बाय रोड भी होता है। सी पोर्ट्स ऑफ गेटवेज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के जो गेटवे हैं, दरवाजे हैं, वो समुंदर के सी पोर्ट हैं। इंडिया सराउंडेड बाय द सी फ्रॉम 3 साइड्स एंड इज बेस्टर्ड विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया जो है वो 3 साइडों से समुंदर से घिरा हुआ है और बेस्टर्ड मतलब गिफ्टेड है इंडिया को एक लॉन्ग कोस्ट लाइन। वाटर प्रोवाइड्स ए स्मूथ सरफेस फॉर वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड देयर इज नो टर्बुलेंस। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द पोर्ट्स इन इंडिया इज दैट द वेस्ट कोस्ट हैज़ मोर पोर्ट दैन इट्स ईस्ट कोस्ट। इंडिया में वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट है देन इन कंपेरिजन टू ईस्ट कोस्ट लाइन में। दो पोर्ट्स हैव बीन इन द यूज सिंस एनिशेंट टाइम से ही पोर्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। इमरजेंस ऑफ पोर्ट्स एज ए गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिकेम इम्पोर्टेंट आफ्टर कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। लेकिन पोर्ट एक गेटवे के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जब से शुरू हुआ, जब यूरोपियन ट्रेडर्स कॉलोनाइज करने के लिए इंडिया में आ गए थे। एट प्रजेंट इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। प्रजेंट टाइम में इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड द पॉलिसी एंड प्लेस रेगुलेटरी फंक्शन। द माइनर पोर्ट्स आर देयर हुज पॉलिसी एंड फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। माइनर पोर्ट्स जो है उनको पॉलिसी और फंक्शन रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ब्रिटिश यूज द पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट। और ब्रिटिशर्स ने तो पोर्ट्स को एक सक्शन पॉइंट, सक्शन पंप की तरह यूज़ किया था ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हिंटरलैंड्स। वो सारे रिसोर्सेज को उस कोस्टल एरिया के हिंटरलैंड से सक करती थी, और एक्सटेंशन ऑफ द रेलवे टूवर्ड्स द इंटीरियर फैसिलिटेटेड द लिंकिंग ऑफ द लोकल मार्केट टू द रीजनल मार्केट्स, रीजनल मार्केट्स टू द नेशनल मार्केट एंड नेशनल मार्केट टू द इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड। दिस ट्रेंड कंटिन्यू टिल 1947 तक। ये चलता रहा कि अंदर से रेलवे सामान लाती रही और उनको इंटरनेशनल मार्केट तक जोड़ती रही, और वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट होता गया रॉ मटेरियल का, और फिनिश्ड गुड्स को
इंडिया के मार्केट में सेल करते गए एट ए हायर प्राइसेस. पार्टीशन ऑफ द कंट्री स्नैच्ड अवे टू वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स. जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, तो दो इम्पोर्टेंट पोर्ट जो थे, कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान एंड चितगोंग पोर्ट टू इस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान में चला गया बांग्लादेश के पास. टू कंपेंसेट द लॉस मैनी न्यू पोर्ट्स लाइक कंडला इन द वेस्ट एंड द डायमंड हार्बर इन द कोलकाता ऑन रिवर हुगली ऑन द ईस्ट वॉज डेवलप्ड. उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए दो नए पोर्ट बनाए गए, कांडला पोर्ट बनाया गया वेस्ट में और डायमंड हार्बर पोर्ट बना गया कोलकाता में. टुडे इंडियाज पोर्ट्स आर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड. मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से आजकल इक्विप्ड हैं. सम ऑफ द इंडियन पोर्ट्स अलोंग विद देयर हिंटरलैंड्स आर एज फॉलोज. कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट जो हैं, जैसे कि कांडला पोर्ट सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ कच्छ मतलब गुजरात में ये कांडला पोर्ट इस्टेब्लिश है. डेवलप्ड एज ए मेजर पोर्ट कैटर टू द नीड्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री की नीड को पूरा करते हैं. रिड्यूस द प्रेशर ऑफ मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करते हैं कांडला पोर्ट. द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया है. डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द हिंटरलैंड वुड बी डिफिकल्ट एज इट इज़ नॉट फिक्स्ड ओवर स्पेस. मुंबई इज़ ए नेचुरल हार्बर पोर्ट है एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री. मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है देश का. द पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर टू द जनरल रूट फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप और द मेजर शेयर ऑफ इंडिया ओवरसीज ट्रेड इज कैरिड आउट. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नावाशेवा वॉज डेवलप्ड एट सेटेलाइट पोर्ट. एज ए सेटेलाइट पोर्ट बोलते हैं इसको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को. टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द मुंबई पोर्ट इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. तो सबसे बड़ा जो कंटेनर वाला पोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है. इसको सेटेलाइट पोर्ट भी कहा जाता है जो कि सिचुएटेड है नावाशेवा में. मारमागाव पोर्ट सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ज्वारी एश्चुरी. एश्चुरी के पास है, ज्वारी एश्चुरी के. मारमागाव पोर्ट इज ए नेचुरल हार्बर है इन द गोवा. इट इज़ गेन्ड सिग्निफिकेंस आफ्टर इट इज रिमॉडलिंग इन 1961 के बाद इसको इम्पोर्टेंस मिली. टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे हैज़ कंसिडरेबली एक्सटेंडेड द हिंटरलैंड ऑफ द पोर्ट. कर्नाटका, गोवा, साउदर्न महाराष्ट्र कंस्टिट्यूट इट्स हिंटरलैंड. हिंटरलैंड वो एरिया, आस पास का वो एरिया होता है पोर्ट के जो कि डेवलप हो जाता है ड्यू टू सिचुएशन ऑफ पोर्ट. वहाँ पर लेबर भी आस पास रहती है और वहाँ पर मार्केट भी डेवलप हो जाती है, हर तरीके की फैसिलिटी हो जाती है, उसको हिंटरलैंड एरिया बोलते हैं. न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट एंड कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन कॉन्सेंट्रेट्स. आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए न्यू मैंगलोर पोर्ट है. मेजर सी पोर्ट्स एंड ये मैप आएगा एग्ज़ाम में. ये सारे पोर्ट्स याद करने हैं, मैप पे प्लॉट करने हैं. कांडला पोर्ट गुजरात में, फिर है ये मुंबई पोर्ट, फिर है मारमागाव पोर्ट वेस्ट कोस्ट पे, मैंगलोरू पोर्ट वेस्ट कोस्ट पे, कोच्ची पोर्ट वेस्ट कोस्ट पे, चेन्नई ईस्ट कोस्ट पे, विशाखापट्टनम उड़ीसा के पास है, पारादीप उड़ीसा के पास है, कोटला कोलकाता. ये सारे पोर्ट्स याद करने हैं. कोच्ची पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाद केएल, पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी. कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है. नेचुरल हार्बर है ये. दिस पोर्ट एज एन एडवांटेज ऑफ लोकेशन बींग क्लोज टू द सूज कोलंबो रूट के पास है ये कोची पोर्ट, तो इसको ये एडवांटेज है. कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल से दूर है कोलकाता पोर्ट. कोलकाता पोर्ट इज आल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन इन द हुगली रिवर में. सिल्ट मतलब मिट्टी का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यहाँ ये प्रॉब्लम है कोलकाता पोर्ट की. विच प्रोवाइड्स द लिंक टू द सी. इट्स हिंटरलैंड कवर्स. कोलकाता पोर्ट का जो हिंटरलैंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है.
हल्दिया पोर्ट इज सिचुए इज लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द कोलकाता से 105 किलोमीटर नीचे की ओर दूर हल्दिया पोर्ट है। इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट के भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन द महानदी डेल्टा 100 किलोमीटर कटक से है। इट हैज़ डीपेस्ट हार्बर। पारादीप का पोर्ट जो है वो डीपेस्ट हार्बर पोर्ट है, स्पेशली सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स। बहुत बड़े पानी के जहाज़ों को पारादीप पोर्ट होल्ड कर सकता है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड मेनली टू हैंडल द लार्ज स्केल एक्सपोर्ट। आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज इन आंध्र प्रदेश में, इज ए लैंड लॉक्ड हार्बर है। ये विशाखापट्टनम पोर्ट लैंड लॉक्ड हार्बर है, कनेक्टेड टू द सी बाय ए चैनल कट थ्रू द सॉलिड रॉक एंड सैंड को काटकर इसको कनेक्टिविटी दी गई है। चेन्नई पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट का, ईस्ट को ईस्ट एरिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट चेन्नई पोर्ट है। आर्टिफिशियल हार्बर बिल्ट इन 1859 में। एन्नोर पोर्ट इज न्यूली डेवलप्ड पोर्ट इन तमिलनाडु में है। एन्नोर हैज़ कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई से 25 किलोमीटर नॉर्थ में टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट वाज आल्सो डेवलप्ड टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए तूतीकोरिन पोर्ट भी बनाया गया। डील्स विद अ वैरायटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग कोल, साल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ये आवाजाही करता है। एयरपोर्ट्स, अब हो गया एयरपोर्ट्स। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लीस्ट टाइम फॉर कैरिज एंड हैंडलिंग हाई वैल्यू ऑफ पेरिशेबल गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकता है बहुत लिस्ट टाइम में। इट इज़ वेरी कॉस्टली अनसूटेबल फॉर द कैरिंग हैवी एंड बल्की कॉमोडिटीज़। एयर ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकती और बहुत कॉस्टली भी है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द सेक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड एज कम्पेयर टू द ओशियन रूट्स। तो वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप भादुड़ी फाउंडेशन।